So now students, we are done with optionality. We are done with a cardinality. So at the end of the day, humne jo basic equation thi relationship ki, R is equal to O plus C, wo humne actually ab discuss kar liye, sari ki sari. So we are good to go, ki ab hum ye discuss karein ki kitni tarah ke relationships hain. So just to start with, databases mein teen relationships hum discuss karte hain ERD mein, lekin basic do hain. Basic se murad meri ye hai ki aise relationship jo at the time of implementation jo ki hum log karenge directly code mein convert ho jate hain, wo do hain. Ek one to one hai jo hum log discuss kar rahe hain aur ek one to many hai. Jo teesri tarah ka relationship hai many to many, wo relationship to hai lekin wo basic nahi hai. So moving forward, jo one to one ka relationship hai, ye bahut rare tarah ka relationship hai, lekin isko zara aap logon ne zara imagine karna. One to one se murad ye hai ke ek table ke ek record ke against dusre table mein maximum number of record ek hai. Matlab ye hai ke ek table ki primary key kisi table mein as a foreign key aa sakti hai. Matlab hamare paas do table hain, har table ki apni primary key maujood hai. Ab किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की एक्ट करेगी. मतलब एंटिटी ए की प्राइमरी की भी एंटिटी बी में एज अ फॉरेन की जा सकती है और एंटिटी बी की प्राइमरी की भी एंटिटी ए में एज अ फॉरेन की जा सकती है. मतलब ये हमारी मर्जी है, दिस इज आवर डिस्क्रिशन. रीजन बीइंग कि दो जो एंटिटीज हैं इनमें कोई पेरेंट चाइल्ड यानी मास्टर डिटेल या पेरेंट चाइल्ड तरह का रिलेशनशिप नहीं है. इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, फ्लैट रिलेशनशिप, के दोनों एक ही लेवल के ऊपर है, कोई मास्टर डिटेल नहीं है. तो ये हमारी मर्जी है किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में हम फॉरेन की के तौर पर ले जाएं. तो ये रूल नंबर वन हो गया. रूल नंबर टू बड़ा इंटरेस्टिंग है. रूल नंबर टू ये कहता है कि जिस भी टेबल की प्राइमरी की को आप दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की लेके जाएं, यानी टेबल ए की प्राइमरी की को टेबल बी में एज अ फॉरेन की लेके जाएं या टेबल बी की प्राइमरी की को टेबल ए में एज अ फॉरेन की लेके आएं, तो जो फॉरेन की होगी ना उसको आपने यूनिक की लाजमी बनाना है. ये रूल है. अब ये मेरी और आपकी मर्जी नहीं है कि मैं एंटिटी ए की प्राइमरी की को यूनिक की बना दूं, ये एंटिटी बी की प्राइमरी की को यूनिक की बना दूं, ऐसा नहीं है. जिस टेबल में फॉरेन की ने आना है वो हमारी मर्जी है, लेकिन वंस वी आर डिसाइडेड यानी हमने ये तय कर लिया कि फॉरेन की किस टेबल में आएगी, उस फॉरेन की को हमने यूनिक की बनाना है. ये रूल है, इसको मैं और आप वॉयलेट नहीं कर सकते. सो लेट मी गिव यू वन वेरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ हैविंग वन टू वन रिलेशनशिप. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमारे पास, लेट सपोज एक एंटिटी है डिपार्टमेंट की और लेट सपोज एक एंटिटी है उसके एचओडी की. अब हमें ये पता है कि एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा या उसको हेड करेगा इन आइडियल केसेस. तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो एच ओ डी है वो एक ही डिपार्टमेंट को हेड करेगा और डिपार्टमेंट के ऑब्वियसली एच ओ डी एक ही होगा. तो जो ऑप्शनैलिटी और कार्डिनैलिटी है इस रिलेशनशिप की, दैट इज वन टू वन. रीजन बीइंग एक डिपार्टमेंट के अंदर लाजमी है कि एक एच ओ डी हो और वो एक से ज्यादा एच ओ डी नहीं हो सकते. मतलब यहां मैं ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा सकता. रीजन, अगर ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा तो उससे मुराद ही होगी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एच ओ डी हैं, ऐसा नहीं हो सकता. और एक एच ओ डी एक ही डिपार्टमेंट को हेड कर सकता है, इसका मतलब है यहां पे भी मल्टीपल का साइन नहीं आ सकता. तो ये लीनियर तरह की रिलेशनशिप है कि
एक डिपार्टमेंट का एक एचओडी है और एक एचओडी एक ही डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, तो यहाँ मल्टीपल का साइन नहीं है, लीनियर है। अब हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ पे एचओडी का एट्रीब्यूट है फॉर एग्जांपल एचआईडी, और ये दोनों अपने अपने टेबल की प्राइमरी की हैं। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि या तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर को एचओडी में एज अ फॉरन की लेके आना पड़ेगा या एचआईडी को डिपार्टमेंट टेबल में एज अ फॉरन की लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-to-1 का रूल है, या जब मैंने दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो आई हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई फॉरेन कीज। लेट सपोज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इस एचओडी की जो आईडी है एचआईडी उसको यहां पे एज अ फॉरेन की लेके आ जाता हूं, मैंने इसको फॉरेन की बना दिया, ये प्राइमरी की का पार्ट नहीं है लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है लेकिन ये फॉरेन की का पार्ट है, यानी ये फॉरेन की है। तो 1-to-1 का पहला रूल ये था कि ये आपकी मर्जी है कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की ले जाएं, तो हम एचआईडी को डिपार्टमेंट टेबल में ले गए। दूसरा जो रूल है वो ये था कि जो भी फॉरेन की है इसको आपने यूनिक की बनाना है। रीजन बहुत सिंपल है, डेटा सेट एंटर कर लेते हैं, यहां पे 1 है, यहां 1 है, 2 है। अब अगर तो मैंने इसको यूनिक की नहीं बनाया होता तो इससे मुराद ये होती कि जो ये एचआईडी है जो कि एचआईडी का एम्प्लॉय नंबर है वो दो डिपार्टमेंट का पार्ट भी हो सकता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी एजम्पशन ये है कि एक एचओडी एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को हेड नहीं करेगा, तो अगर ये एचआईडी को मैंने यूनिक की नहीं बनाया होता तो ये 1-to-1 अलाउ हो जाता। अब मैंने क्योंकि यूनिक की बना दी है जो 1-to-1 का रूल है तो ये इस 2 को नहीं एंटर होने देगा, वो ये कहेगा कि यूनिक की वायलेटेड, क्योंकि यूनिक की क्या थी कि मल्टीपल रोज में यूनिक की जो कॉलम है उसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, तो ये यहां पे 1 को आने ही नहीं देगा। दैट्स व्हाई इट इज 1-to-1 कि एक टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट, एक टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे टेबल में एक ही रिकॉर्ड आ सके। द मोमेंट आई ट्राई टू रिपीट दिस रिकॉर्ड और यूनिक की बनाया हुआ है तो ये डेटाबेस मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। दैट वॉज द एसेंस ऑफ 1-to-1। तो जस्ट टू रीकैप, किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की ले जाएं, मैंने एचओडी की प्राइमरी की एचआईडी को एज अ फॉरेन की मैं लेके गया डिपार्टमेंट में और उस फॉरेन की को मैंने यूनिक की का पार्ट बना दिया, तो ये मेरी 1-to-1 की एट द कोडिंग लेवल, जब हम कोडिंग करेंगे 1-to-1 की इंप्लीमेंटेशन यहां पे कंप्लीट हो जाती है।